में नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस और मैं क्या फील कर रहा हूँ उसको किन शब्दों में बयान करूँ। आज आज अगर पिछला डेढ़ महीना मैं पलट के देखता हूँ, अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू बिकॉज थिंग्स हैव हैपेंड सो फास्ट दैट एवरी डे आई एम थिंकिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक सेंस दैट प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल सही साफ शब्दों में जहां पता है, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सरकार को लग रहा था, आरएसएस को लग रहा था कि वो हम कुछ लोगों को प्रोफाइल करके विछंड करके हम लोगों को तोड़ सकती है, हम लोगों के आंदोलन को तोड़ सकती है, हम लोगों के एकता को तोड़ सकती है और सबसे जरूरी हम लोगों के हौसलों को तोड़ सकती है, तो वो कितने बड़े मुगालते में थे। हमको यहां देखने को मिल रहा है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में खड़ा होके डेढ़ महीने पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहा हूं, और ये हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। साथियों, हम लोगों को धारा 124A के तहत अंदर किया गया, सेडिशन अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको बताना चाहेंगे हमको इस बात का कोई दुख कोई शर्म नहीं है कि हमको इस धारा 124A के अंदर बंद किया गया। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर बुक अंडर अ लॉ इन विच द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ पीपल, वो सारे लोग जो सत्ता को जिन्होंने हमेशा क्वेश्चन किया है, जो जनता के आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, चाहे वो विनायक सेन हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो प्रोफेसर शेख शौकत हो, हमारा नाम उन लोगों के साथ जुड़ा, इस बात हमको वी फील वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। कॉमरेड प्रेसिडेंट कन्हैया ने एक बात बहुत अच्छी बोली, धारा 124 से अंग्रेजी में सेडिशन होता है, हिंदी में देशद्रोह नहीं राजद्रोह होता है। और आज क्या जो ये मोदी राज है, आज क्या जो ये फासिस्ट राज है, आज का ये जो जनता विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इंसान विरोधी, जनता विरोधी, हम यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं उसके खिलाफ हमारा विद्रोह जारी रहेगा। एक और चीज सोचने वाली बात है, 1860 का एक लॉ हमारे खिलाफ यूज किया, ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग को अंग्रेजों के पास जाना पड़ा हमको अंदर करने के लिए। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। साथियों, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो इस बात का भी कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम लोग कुछ दिन जेल में बंद थे। आज क्रिमिनल्स तो वो है जो पावर में है, जेल में तो वो है जो उस पावर का विरोध कर रहे हैं। जेल में आप अगर थोड़ा डेमोग्राफी देखें तो आपको जेलों के अंदर की जो तादाद है वो दिख जाएगा। अगर आप मारुति के मजदूर हैं जो अपने यूनियन की बात कर रहे हैं तो आपको जेल की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासी हैं जो अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं जो रणवीर सेना के खिलाफ लड़े हैं तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी खतरा यही है कि आप मुसलमान आपको जेल में भर दिया। वो लोग जो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी जेलों में भर दिया जाएगा, हमको भी जेलों में भर दिया गया। कुछ दिन कोई बात नहीं, बाहर आ गए हैं। और जितने और लोग
सत्ता का विरोध करते हुए जेलों के अंदर गए हैं, उन सब की लड़ाई को हम आने वाले दिनों में मुकम्मल अंजाम देंगे। साथियों, इस लड़ाई में हमने बोला कि आज हमारे देश में फ्रीडम एक्सप्रेशन खतरे में है। मैं अग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूं। कहां है फ्रीडम एक्सप्रेशन खतरे में? अगर आप, ये डिपेंड करता है आप सत्ता के किस तरफ है, उस हिसाब से आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन दिया जाएगा। पूरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है हमारे सामने, हमारे देश में बाला साहब ठाकरे का भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो खुले आम ये बोलते थे कि डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को स्टैन गन से मार देना चाहिए, एक भी केस में उनको बुक नहीं किया गया। देशद्रोह तो छोड़ की छूट बड़ी, मतलब बड़ी बात, कोई छोटे मोटे केस में भी कभी नहीं किया गया। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं उनको हमेशा से जेलों के पीछे डाला गया, और हम लोगों को भी उसी क्राइम के लिए देश के पीछे डाला गया। ये बात जैसे मैंने बोला कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन द लास्ट 1.5 मंथ्स। और जेल के अंदर कई बार मैं सोचा कि क्या हुआ, कि हमने कुछ गलत किया, क्या हुआ 9 को 10 को 11 को, बहुत सोचा। फिर एक फिल्म मुझे याद आई, एक फिल्म है जो 1973 में चिले में पिनोशे का कू हुआ था, उस पर फिल्म बनी मिसिंग कोस्ता का रस का बरस का। उस फिल्म में डायलॉग है, देयर इज एन अमेरिकन हु कम्स टू चिले एट दैट टाइम, हिज सन गोज मिसिंग, एंड दैट अमेरिकन अ मिडिल क्लास कॉर्पोरेट गाय हु कम्स टू चिले एट दैट टाइम व्हेन द कू इज हैपनिंग, वो एक चिले के आदमी से पूछता है कि मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसको गायब क्यों हो गया? वो बोला, तुम अमेरिका वालों की यही प्रॉब्लम है, तुमको लगता है कुछ करना पड़ता है जब जेल में जाते हैं। हमारे देश की स्थिति आज वैसी ही हो गई है। नाम लेके बोलूंगा पेपर, हिंदुस्तान हिंदी वाला पेपर बोल रहा है कि उमर खालिद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जंगलों में नक्सलियों के साथ है। पुलिस कस्टडी में था, बहुत कुछ पुलिस कस्टडी में हुआ जो मैं बिकॉज द कंडीशन ऑफ द बेल मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन और भी बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ चीजों पर बात करूंगा। एक दिन एक पुलिस अफसर ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान नहीं ऐसी बोला कि फोटो कौन सा है अपने फोन में दिखाया, देखा कि मैं एक और साथी जेएनयू के कॉमरेड हेम उनके साथ था, ये फोटो आया है, देखो तुम्हारा नक्सली से कनेक्शन है। मैं बोला, पहले तो बात आपकी गलत है कि वो नक्सली नहीं है, वो जेएनयू के छात्र थे। और बोला, ये आईबी का फोटो है, आईबी फोटो लेकर आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैंने कहा, सर ये मेरे फेसबुक से ही उठाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं। लेकिन एक चीज जो सामने आई इस पूरे दौरान, जो मीडिया का रोल था, एंड आई डोंट थिंक द मीडिया वॉज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, आई थिंक एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू थिंक लाइक दैट, दैट दिस वॉज, दीज वर क्लियर इंस्ट्रक्शन एक सेक्शन ऑफ मीडिया को ऊपर से, कि ये चीज आप दिखाइए। और उससे होता क्या है हमारे देश में,
इकलौता केस नहीं है, ऐसे तमाम केसेस हैं कि मीडिया एक ओपिनियन ऑलरेडी जनरेट कर देता है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद वो मीडिया को इन्फॉर्मेशन देगा, जो मीडिया प्ले करेगी, या उल्टा होता है। मीडिया ट्रायल करता है, उसके बाद जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, उस आधार पर पुलिस आपका और उस तरीके उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन होता है। एक दिन एक पुलिस अफसर बोल रहे हैं कि खालिद यार तू तो मास्टरमाइंड है। बोला किस चीज का मास्टरमाइंड सर, मतलब ये तो आप उल्टा कर दिया आपने पूरा चीज को, जो मीडिया बोल रही है आप, वो अगर आपको वो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है तो आपका तो खुद इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगा ऐसे। तो ये चीजें मतलब एक ओपिनियन ऑलरेडी, और एक चीज जो बार बार समझ में आई, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एक बात बोली थी कि पिछले 7 साल में आई डिड नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ मुस्लिम, नीड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ मुस्लिम इन दिस कैंपस, बट स्टिल आई वॉज प्रोजेक्टेड एज एन इस्लामिक टेररिस्ट। लेकिन इस दौरान इस तरीके से वंस अगेन इंटरोगेशन के वो डिटेल्स नहीं, लेकिन तो असाइड कॉन्वर्सेशन होते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ट्रायल सिर्फ हम कुछ इंडिविजुअल्स का नहीं चल रहा, और मेरे केस में सिर्फ मेरा नहीं और सिर्फ जेएनयू का नहीं, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रायल चल रहा है। इस तरीके से बातें करी जाती थी, इस तरीके से बातें बोली जाती थी। ये बोला जाता था कि आप जिस तरीके से फ्रेम होती थी, यू हैव टू प्रूव, गिविंग एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रेसिडेंट अबुल कलाम एंड मेनी अदर पीपल, कि वो लोग पेट्रियोटिक मुस्लिम्स थे, अब तुम अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव करो। बार बार इस तरीके से चीजें फ्रेम की जाती थी। और मुझे एक चीज, जो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आया, क्या मैं जिस तरीके से अपना अभी तक डिफेंस पेश कर रहा था कि नहीं मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूं, मैंने तो ऐसा नहीं करा, इज इट एक्चुअली हेल्पिंग द केस? व्हाट इफ आई वाज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? व्हाट इफ educated in a madrasa, I wore a skull cap and I had a beard, would all of that be justified after that? No. और ये चीज एक नॉवल पढ़ा था मैंने अंडर ग्रेजुएशन के समय, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, उसमें एक पिक्चर भी बनी है। आई फेल्ट लाइक दैट रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट who wanted to grow a long beard and who wanted to wear a skull cap and who wanted to pray. Even then, you cannot ask me that question. हम लोग जेल में पुलिस की भाषा में खालिद साहब और भट्टाचार्य जी थे। खालिद साहब, खालिद मियां, खालिद भाई, वो जो सस्पेक्ट हु हैड टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म, उनको पान पे मुझसे 3 बार ज्यादा गुस्सा था कि ये भट्टाचार्य कहां से आ गए। आप तो मतलब इफ आई वॉज अ ट्रेटर टू द नेशन बाय वर्च्यू ऑफ माई बर्थ अनलेस आई प्रूव अदरवाइज, पान वॉज अ ट्रिपल ट्रेटर, नॉट ओनली अ ट्रेटर टू हिज नेशन, ऑल्सो टू हिज रिलीजन एंड ऑल्सो टू हिज कास्ट। एक भाई पुलिस अफसर पान को कोने में ले जाके बोला, एक काम करो, तुम बोल दो खालिद ने तुमको इन्फ्लुएंस किया था।